अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको जैसा कि पता है मैं अभी अपने गार्डन में मौजूद हूँ। आपका भाई रोज़ रवायती तरीके के साथ इन पौधों को पानी दे दे के थक चुका है, तो इसलिए अब हम करने जा रहे हैं ट्रेडिशन को थोड़ा सा अपग्रेड। अपग्रेड हम किस तरह से करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम, जिससे एक तो होगी पानी की बचत, पानी जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होगा, और दूसरा जो है वो आपके भाई की हो जाएगी बचत रोज़ रोज़ पानी लगाने में। तो हमने इसका तजर्बा किया, चेक करते हैं कि क्या वाकई ही ये काम करती है कि नहीं। तो उसके बाद अगर तो ये काम करती हुई तो फिर हम टोटल सिस्टम जो है वो इरिगेशन कर देंगे, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम कर देंगे। तो अभी चेक करते हैं कि किस तरह का सिस्टम बना है, माहौल किस तरह का बन चुका है। तो ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा कि ये पौधा लगाया हुआ है मैंने जैतून का। जैतून के पौधे की हमने सबसे पहले की है ड्रिप इरिगेशन, तो चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारी इरिगेशन कामयाब हुई है। ये आप लोगों को पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल ड्रिप मैंने स्लो चलाई हुई थी, इसे अगर हम थोड़ा सा कर देंगे तो तेज़, तो इस तरह से पानी काफ़ी ज़्यादा मकदार में यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो ये तरीका मुझे तो लगा है बहुत ज़्यादा पसंद, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि स्पीड के साथ पानी जो है वो इस ड्रिप में से नीचे जा रहा है और पौधे को जितनी ज़रूरत है उतना पानी नीचे उसकी जड़ों तक मिल रहा है। तो ये तरीका हो गया हमारा कामयाब। तो इंशाल्लाह ये पौधा मैंने पहले देखा है, नेट पर ही देखा है, जिसके बाद हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। तो इंशाल्लाह अब हमारे जितने भी गार्डन में पौधे लगे हुए हैं इन सब की अपग्रेड करेंगे, इन सब को अपग्रेड करके ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाएंगे, जिससे हो जाएगी पानी की बहुत ज़्यादा बचत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम आप दोस्तों को दिखाएंगे कि हमारे गार्डन में कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं और कौन कौन से पौधों पे फल लगा हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों तक ये दिखाएंगे माहौल सारा। अभी इस व्लॉग में मैं नहीं दिखा सकता, क्यों व्लॉग हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा लंबा, तो आप लोग हो जाएंगे बोर। तो फ़िलहाल हम अपने गार्डन में मौजूद हैं, साथ ये मुझसे छोटा है सुलेमान। तो अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह, आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप सबको अल्लाह पाक खैर व आफियत के साथ सबको सलामत रखे, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।